हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, वेलकम बैक टू हमारा न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के 8 बज गए हैं और धूप धाप का कुछ नाम नहीं है, इसलिए रोशनी सी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। ये देखो, आसमान में बादल हैं, थोड़ी सी बूंदें भी आई थी, बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं संडे स्पेशल में कुल देवताओं की पूजा करने। सारी तैयारी कर ली है और हम जो हैं रेडी हैं वहाँ के लिए। हैं हाँ जी, सब चिराग बत्ती सब पता से माँ ने खीर भी बना के तैयार कर दी। जब तक मैंने और तैयारी करी, सब सामान तैयार है। और आज काफ़ी दिनों बाद जाएंगे मैं और ये तो अपने कुल देवताओं पर पूजा करने के लिए। तो चलो जी चलते हैं। आरुष भी आया है भाई पूजा पाठ करवाने, बाइक से हम आए थे। और देखो, पूजा की एक टोकरी इसने भी पकड़ रखी है, काफी मदद करता है अभी ऐसे कामों में और धर्म लाभ भी उठाता है। हाँ भाई, जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अपना टाइम बिताया था, वहाँ पे वे रह रहे थे, वो 50,000 साल पुराना होगा। नहीं, 5,000 तुझे गलत जानकारी है। 5,000 साल पुराना है। सही तो मुझे भी नहीं पता भाई, लेकिन हाँ तू गया था वहाँ। और नहीं, वहाँ पे ना भगवान कृष्ण जी मटकी फोड़न जाग रहे थे, उनके वहाँ पे किसी के तो 5 छपरे थे। अच्छा चलो, वैसे काफी जानकारी है, कुछ गलत है कुछ सही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा भाई साफ सफाई कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो है पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। और ये हमारे यहाँ कुल देवता स्थित और गांव है इतनी दूर, तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर गांव से बाहर निकल के। मौसम आज देखो ऐसा बादल वाला, बारिश भी हो सकती है, थोड़ी बूंदा बांदी हो भी गई थी। ये धूप उठाने के लिए देखो अंगारी लानी पड़ती है ना घर से ही, तो हवा में थोड़ी सी कम सी ली है ये है। मौसम अगर थोड़ा सा गर्माहट का होता तो जल्दी सुलग जाती है। और शायद ये पिछले हफ्ते की बची होगी, किसी की दीवार पर रख दी, इसमें तो कुछ होगा नहीं, एक हफ्ता हो गया। हवा में उड़ी भी नहीं है, तो हल्की राख हो रखी है। फिर भी दस्सी झाड़ू बनाई इसने यहाँ पे, थोड़ी सी घास उखाड़ के और साफ सफाई कर दी, इससे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो चलो भाई देवताओं को नहलाते हैं। नहलाया जाता है जी को। हाँ। राधा ने उससे बंधा था ना, दो पेड़ टूटे थे, उनमें से दो पेड़ निकले थे। क्या कह रहे उन्हें, राधा ने बांध दिया था या यशोदा मैया ने? यशोदा मैया, हाँ उनने बांध दिया था। और वो अपने पीछे से ले लेके दो पैर टूटे थे, उनमें से क्या निकला था? वो दो शक्तियाँ निकली थी, शक्तियाँ ही शक्तियाँ थी भाई राधा कृष्ण में। चलो भाई देवताओं को नहलाते हैं, दूध लाए हैं डब्बे में। और उसको सिखाना जरूरी है ना, इसे भी तो पता रहना चाहिए। पता? अच्छा जी, पता ही तो नहीं है तुझे। हाँ हाँ वो भी दिखाओगे, पहले आगे नुहा तो दे। इसने देख क्या उठा लिया, यो सूखा हुआ गन्ना इसे उठाई फिर रहा। पूजा पाठ कर ली है और अब घर चलने की तैयारी। चलो भाई अपनी टोकरी वैसे ही बांधनी है या इसी तरह पकड़नी है, लेकिन ज्यादा चौकस पकड़ने की जरूरत नहीं है। सामान था ज्यादा सुरक्षित लाना था। तो जय देवता महाराज। प्रसाद के रूप में अब कुछ मिष्ठान वितरण दिया जाएगा। चलो भाई ये देखो प्रहरी, मुंह मीठा करो आप भी। हैं ये तो खाने का मीठा नहीं खाते क्या? क्या बात, शुगर वगैरह का दिक्कत है क्या कुछ? वो खाएगा देखिए, ये खा नहीं रहे हैं, खाएंगे ये एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, अरे अंदर नहीं घुसना इस खेत में, ये सोच रहा कि अंदर घुस कर रील बना लेते हैं इसमें। हैं कब रोड जाती कहाँ? अबे वो जा रही पर वहाँ उधर है, वहाँ है देख वहाँ, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे। हाँ भाई इसकी बात समझ में है, दो गेहूं के खेत ही है, ऐसा लग रहा है जैसे मिले हुए हैं। वहाँ पे एक रास्ता है छोटा सा, कह रहा हमने वहाँ पे कुछ बनाया था। तो चलो भाई पूजा पाठ हो चुकी है और अब चलने की तैयारी। मौसम बढ़िया लग रहा, ठंडी हवा के साथ में एकदम। पूजा पाठ करते ही से फिकर हो गया था, देखूं जम गए क्या वहाँ पे पौधे, हैं निकल रहे कुछ? हाँ ये दो तो निकल गए, बाकी जिनमें ये आ रही ना तरेड़, ये बावली तरेड़ नहीं है, ये पौधों के जमने की तरेड़ है।
पर टमाटर ग्रोथ कम स्पीड से कर रहे हैं, हैं हो जाने चाहिए थे लाल लाल अब तक तो। ज्यादा देख रहे हैं ना अम्मी ने। अच्छा जिसे ज्यादा देखे वो बढ़ता नहीं। एक निगाहता एक टक निगाहता देखो ही जा रहे हुए नहीं हुए रोज देख रहे। पेड़ पौधों का जायजा लेने के लिए आ गई है अभी सुबह एक राउंड, और ये है इसका राजमा हो गया। देखो राजमा हो गया आज, इसका पौधा निकाल के दूसरी जगह धर जाएगा। अगली बार ना गुड्डू के पापा मुझे याद दिलवा दियो, एक उसमें एक ही बीज रोपण करेंगे। आपने दो दो दिलवा रखे ना, तो वो एक को ही अच्छे से ग्रो होगा उसमें। अच्छा नहीं तो ये साइड में चला जा बीज, फूलने की फिर जगह नहीं मिलती। ओहो ये है बात। और अब की बार भी लाऊंगे दूसरा तरीका कुछ, मतलब इन्हें उगाने का दूसरा तरीका क्या। अब की बार इनकी जो पन्नी आती है उसमें प्रॉपर वाली उसमें बो देंगे, और तुरई की बेल दिखाता हूँ भाई। देखो अपने रास्ते चल दिया है, यहाँ पे ना हमने ये लकड़ियाँ बिछा दी थी, मगर चढ़ो भाई एकदम खुले दिमाग से, तो बेल अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। देखो कैसे चढ़ रही है। भिंडी जब हुई थी कुछ उग गई है, जो बीज ज़्यादा भीग के अंकुरित हो गए थे ना पहले ही, वो निकलने लगे हैं पौधे, और इसमें अभी ये जो मेड़ है ना इनको भी निकल जाएंगे, क्योंकि इनमें कम भिगोए हुए थे और ये ज़्यादा भीग हुए थे। ये तीन दिन के भीगे हुए बीज थे, और उस पर एक दिन यानी कि 10-12 घंटे के। टमाटर की खेती से हमें उम्मीद बहुत हो गई है, अभी देखो इस पर फूल आने लगे हैं, और एक हफ्ते भर में बताते हैं। कुछ विशेषज्ञ हैं ना यहाँ पे पड़ोसी वगैरह जो सब्जी बोते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक हफ्ते में इन पर अच्छे फूल आ जाएंगे और टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। इनकी वृद्धि बढ़िया स्पीड से चल रही, क्योंकि इसमें पानी वानी की और देसी खाद की कमी तो है नहीं, इसमें गोबर की खाद डाल रखी है और मेड़ बंदी कर दी थी इनकी, और पानी इनमें भरपूर गर्मी के मौसम में भी आ रहा है। अच्छा कुछ बीज रोपण करा होगा वहाँ पे, तो उसे कुरेद के देख रही, उसे खोद के देख रही जमा है नहीं जमा चेक कर रही। और इसमें मक्का की खेती भी होने लग रही भाई। मक्का के पौधे दिखाता हूँ, ये देखो इसके छावे में आगे परछाई में टमाटर के पौधे के, लेकिन ये ऊपर निकल जाएंगे, ये बहुत बढ़ते हैं, और इसकी भी जड़ में आ रहे हैं। ये अगर यहाँ होते यहाँ है तब बढ़िया रहते गैप में, ये बिल्कुल जड़ों में ही आ गए इनकी, और हर जगह ऐसा ही हो रहा है इनकी जड़ में ही आ रहे हैं। कहीं कहीं है एक आध पौधा जैसे कि ये देखो ये बिल्कुल गैप में जमा है, तो ये अच्छा होगा है, ये बड़ा हो जाएगा। अभी इनमें पानी है काफ़ी, एक दो दिन में इनकी निराई गुड़ाई का समय आ जाएगा। कल शाम के टाइम से मौसम है कुछ ऐसा, हमारे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव में जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, और बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश अभी होनी नहीं चाहिए क्योंकि फसलें देखो कटी पड़ी है। गेहूं का खेत जो हमारे घर के सामने था जस्ट बिल्कुल, तो वो भी जो है आधे से ज़्यादा कट चुका है यहाँ पर, और बिल्कुल खाली खाली सा नज़र आ रहा है। इधर ज़्यादा ग्रीनरी नज़र इधर की साइड आती है, क्योंकि यहाँ पर ना एक वो जो पहाड़ी बाजरा होता है वो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखो सामने खेत है ना, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जिस दिन हम लोग बच्चों के स्कूल गए थे वो पीछे का रास्ता है जहाँ पे वो खम्बा ना, वहाँ पे एक रोड है, और इधर से गए थे उधर से ना हमारा घर यहाँ पे नज़र आता है पीछे की साइड से, बिल्कुल छोटा सा ये रूम दिखता है हमारा, है भी ये छोटू सा ही। ये देखो इधर का एरिया ही खाली बचा ही रखा था हमने, और हमारी इन सीढ़ियों पे पेंट होना बाकी है, प्राइमर लगेगा क्योंकि इन पे जर आ चुका है, तो ये ना फिक्स भी करवाना है, क्योंकि अभी ये हिलता है तो उस वाली दीवार में ये अटैच हो जाएगा बिल्कुल, मतलब किसी काबले वगैरह से, तो फिर जो है ये हिलेगा भी नहीं, और आराम से बच्चे भी फिर जो है ऊपर चढ़ जाया करेंगे। और जो ये आइडिया था ना ये वाली सीढ़ी बनवाने का, वैसी सीढ़ियों पर डंडे वाली सीढ़ियों पर तो फिसलने का डर रहे हैं, लेकिन ये ठीक रहेगी, ये पोर्टेबल है, इन्हें उठा के कहीं भी किसी भी छत पर लगा सकते हैं, जैसे हमारे घर वाली उस पर छत पर जो तीसरी मंजिल है उस पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, वैसी डंडे वाली सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ना तो इसी जगह भी काम आ जाएगा अगर इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये लाइटें चेक करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वाली लाइट भी तिरछी हो रही है, ये भी जैसे अब लाइट गिरी नीचे है, देखो ये वाली भी एकदम से ऐसी तिरछी हो रही है, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है? हाँ मुझे सही लग रहा, देखो ये भी तिरछी है, लाइटें तो चारों तरफ लगवा दी इन्होंने, लेकिन कबूतर भी बैठते होंगे यहाँ, ऐसा भी तो हो जाना नीचे की कहीं लाइटें खराब कर दी कबूतरों ने बैठते, पर ऊपर तो मुझे नजर नहीं आई कहीं कबूतर। पिताजी कर रहे चारपाई रिपेयर, इस चारपाई के बहुत सारे बाण निकल लेते, वे ठीक कर देंगे अब जा। अगर हमने थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया तो वो हीट हो गया, हीट जैसी खुशबू आ रही,
इन्होंने लगा लिया तो परफ्यूम हो गया, इन्होंने कहा यार ईट जैसी खुशबू पाता आ रही। मैं रात जब सोन गई कल भी मम्मी ने ईट परफ्यूम लगाया, मैं कह रही ईट की स्मेल कहां जा रही, मेरे बेड के बराबर हंस है अब भी वगैरह रात वाली स्मेल। मेरे कपड़े टंग रहे थे वहां से। अच्छा हां ईट लगा। तो गाइस अभी मुझे जाना है मार्केट में, थोड़ा कुछ काम है और थ्रेडिंग भी कराना चाहनी क्योंकि कल मुझे कहीं बाहर जाना किसी जरूरी काम से, तो इसलिए काफी दिन हो गए। मैंने शादी में ही कराई थी अमित की चिंकी का बना कड़ी चावल में स्वाद, अब करवा देगी खत्म, बेफिक्र हो। तुझे फिक्र हो रहा था ना प्रीति, वो कड़ी चावल ये खा नहीं रहे, मतलब उस दिन से हम तीन जने बढ़ती है ना, मैं कह रही प्रीति को मगर उस दिन तो कोई रोटी नहीं खा रहा, जो हम खावे वे ही सब खा लें। अपना फिर कह दिया जो रोटी बनावे, कहने लगे हमें तो भूख नहीं है मगर जो हम खावे जब भी खावे ये भी इन्हें किसी को भूख ही नहीं लगती क्या। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ पार्लर में थ्रेडिंग कराने के लिए, और थ्रेडिंग अपर लिप्स करानी बस मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं आज। तो थ्रेडिंग भी हो चुकी है और अपर लिप भी, बिंदियाँ मैंने अपने हाथ पे लगा ली थी तो अपनी बिंदी जो है लगा ली। ये नहीं है वो, ये नहीं है शायद, अच्छा मॉडर्न पेरेडिक चार्ज। यहाँ से लेंगे इनके लिए कुछ टी शर्ट्स, और देख रहे हैं अभी कलर कौन सा पसंद आवा कौन सा नहीं देख रहे कंपनी मिल गई देखते। हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। एक बार सारी टी शर्ट्स देख चुके हैं लेकिन एक बार और देखेंगे क्या अब तक कौन सी पसंद आ जा, ये बात हो रही। तो दो टी शर्ट्स हमने ले ली, वो घर जाके दिखाएंगे, दोनों इन्होंने पहन के ट्राई कर ली। ये देख लेते हैं बहुत सुंदर लगी को फिर घूम फिर के नीले भाई आगे, चलो ब्लू भी ले लो, अब तो ब्लू खत्म हो रहा या नहीं। स्कूल बैग और भाई जो हमारे लिए बैग होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, हम यहाँ से यूज कर रहे हैं लगभग पिछले दस साल से हैं। पिछले दस साल से बैग ले जा रहे हैं भाई हम यहाँ से, और बहुत अच्छे निकल रहे हैं बच्चों के भी वाले बैग। घर जा लिए सारे बच्चे क्योंकि वहाँ पे आज कीर्तन, अब जाएंगे मैं और प्रीति, और मुझे ही काम भी जरूरी करना था। गुड्डू के पापा को अपने लिए टी शर्ट्स भी लेनी थी, वो पुरानी होगी एक दो कहीं जगह जाना पड़े तो कपड़े सही सही चाह। तो प्रीति ने बांध लिया साड़ी और ये रेडी हो रही, अभी मैं भी साड़ी पहन लूँगा अभी, चल तो डन साड़ी अपनी पहनेंगे और कब पहनेंगे फिर, माँ भी नुगवे तुम सूट सिलवार पहन के चल दो। चलो भाई अभी मैं भी तैयार होती हूँ और चलती हूँ।